दर्बदाब विद्वान देव सथल कवलास नील मंदरा चले समेर गिरवर है तीर्थ अर्थ सत धर्म दया संतोख श्री गुर चरण रज तुलना सगर है। ये जी चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। चार पदार्थ जे को सेवा लागे। चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। चार पदार्थ जे को जे को अपना दुख मिटावे जे को अपना दुख मिटावे जे कोई अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे। हर हर नाम हृदय सद गावे। चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे। जे कोई अपनी शोभा लोरे 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 साध संग एह हो मैं छोरे संग एह हो मैं साध संग एह। चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। चार पदार्थ साध संग एह हौ मैं छोरे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरणी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा प्यासा जिस जन का प्रभ दर्श प्यासा जिस जन का प्रभ दर्श प्यासा जिस जन का प्रभ दर्श प्यासा
नानक ताके बल बल जासा, नानक ताके बल बल जासा, नानक ताके चार पदार्थ जे को मांगे साधजना की सेवा लागे, चार पदार्थ जे को मांगे साधजना की जी सेवा लागे, चार पदार्थ पदार्थ जे को मांगे साधजना की सेवा लागे। परम सन्मान योग साध संगत जी, अपनी अपनी रसना पवित्र करने वास्ते आखो धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह। राम सिंह नाम लेत रसना पवित्र भई, राम सिंह नाम लेत रिदा हर खायो है, राम सिंह नाम लेत जन को प्रतिज्ञा आई बेदेव पुराण तत् हृदय वसायो है, राम सिंह नाम लेत जम ना दिखाई देत रिदा शुद्ध होए भूत पब दृष्टायो है, राम सिंह नाम लेत तीन लोक पार पए करो नमस्कार जन राम सिंह त्यायो है। फिर आखो धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह। दुनिया दे विच संसार मंडल दे अंदर मनुख नू पदार्थ दी जरूरत बहुत है, पदार्थ तो बगैर साडा कोई कम नहीं चलता। पदार्थ कितों मिले आए सतगुरां दे चरणां विच बेनती की गई गुरु अर्जन देव दे सामने, पातशाह जे चार पदार्थ की जरूरत होवे ते कितों लईए, क्योंकि मनुख नू चार पदार्थ मंदे ने धर अर्थ धर्म काम ते मोख। विद्वाना ने इन्हां नूं इहदे विच सारी दुनिया दे पदार्थ आ जांदे ने, इह चौं नावां दे विच चार पदार्थ। हुण इन्हां विचों दो पदार्थ ते साडे शरीर दे काम आउंदे ने ते दो साडी आत्मा दे काम आउंदे ने। अर्थ नाम है धन दा, धन ते काम इह शरीर दी लोड़ां पूरियां करन वास्ते है, ते धर्म ते मोक्ष ये आत्मा वास्ते ने। इस वास्ते इहदे विच लोक दे सुख ते परलोक दे सुख भी आ गए चौं पदार्थां विच। इन्हां चौहां पदार्थां नूं बहुत इस तरह कीता इन्हां ने इकट्ठियां, जिस तरह कुजे विच समुंदर हुंदा है सारी दुनिया दे पदार्थ। हुण असीं जदों वेखदे हां संसार दी मर्यादा ते धन वास्ते मनुख दौड़दा है बगैर आखे तो, कोई सिक्ख्या लैण की जरूरत नहीं, दिन चढ़ते लाल अगे तो अगे हट जा पिछे होंगी है, कि शहर जाके वेखो की हाल होंगे, अपने आप दौड़ता। पर धर्म कमाने वास्ते मनुख अपने आप नहीं नसदा, कोई जरूरत नहीं समझदा, क्योंकि दो पदार्थ तो दिस रहे ने, दो अदृष्टमान ने, आंदा की पता यह है कि नहीं है, भुलेखा है ना। जड़ी चीज़ वेखण विच नहीं ते साड़ी जिथों तक नज़र जाती है उतों तक पहुँच आ, उस तो अगे कोई पहुँच नहीं मनुख की। इधर कोई ध्यान नहीं धर्म कमाने वास्ते, साडे गुरु साहबां ने धर्म ते धन नूं बराबर कर दिता। किसी प्रेमे नहीं लिखिया, कहिंदे ने जे नाम देहे धन देहे ना जन को, ते नाम बिना जन जमपुर जाए, जे धन देहे नाम देहे ना जन को, नाम बिना जन जमपुर जाए, ते जे नाम देहे धन देहे ना जन को, ते धन बेहून जन जग ना सुहाए। दोए चीज़ां चाहीदियां ने, धन भी चाहिए धर्म भी चाहिए। धन ते धर्म कमाउण वास्ते साडे गुरु साहिबां ने अनंत यतन कीते ने। धन ते धर्म नूं एक भी ये साडे जीवन दे दो पैर मन लो, एक सज्जा एक खब्बा है, धर्म सज्जा पैर है, धन खब्बा पैर है, ते जो दोहां पैरां चों एक पैर ना होवे ते जीवन लंगड़ा हो गया ना, कहिंदे ने लंगा आदमी तुरिया फिरदा, जीवन लंगा हो जाएगा। जे धन है नहीं तां भी लंगा है, जे धर्म है नहीं तां भी लंगा है। इन्हां दोहां पैरां तों बगैर पहाड़ां दी बुलंदी ते नहीं चढ़िया जांदा, यानी जीवन सफल नहीं हो सकता। दोए चाहीदे ने,
गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने दोवें धर्म ते धन नूं बराबर कर दिता। गुरसिखां विच जिहड़ी दसवंध दी मर्यादा बनाई है गुरु अर्जन देव ने बनाई है, भई सारे गुरसिख अपना अपना कमाई का दसवां हिस्सा गुरु घर नूं दिओ, धर्म खाते दिओ, धर्म कमाओ, धन कमाओ, नाल धर्म भी कमाओ। ते उस धर्म की दसवंध की माया दे नाल गुरु अर्जन देव जी ने बहुत कुछ किया संसार विच। श्री अमृतसर जी का सरोवर पक्का किया, हरिमंदर साहब की रचना की, संतोख सर बनाया ते विवेक सर बनाया, करतारपुर की रचना की, तरन तारण के दो पिंडां की जमीन 1,57,000 की खरीदी उन्हां दिनां विच, दो पिंडां की जमीन खरीद के उत्थे तरन तारण वसाया। ये सारा दसवंध की रकम नाल होया। गुरसिखां नूं धर्म कमाउण वास्ते धन कमाउंदिआं धर्म कमाउण दा उपदेश दित्ता ते गुरु अर्जन देव जी ने। पातशाह कहिंदे ने उद्यम करेंदिआं जियो तूं, कमावंदिआं सुख पुंच, ध्यानदिआं तूं प्रभु मिल, नानक उत्तरी चिंत। ये कम जे कर लो तो सारी दुनिया के कार्य सफल हो जाते हैं। हुण मैं अर्जे कीती सी कि सतगुरां ने यह अर्ज की गई जी, ये चार पदार्थ कितों मिलते ने? सच्चे पातशाह कहिंदे ने हुण इस शब्द दे विच एक पंक्ति सवाल किया गया तो दूसरी पंक्ति जवाब दिंदी पई है। जिथ गुरबाणी विच एक ऐसा अलंकार है जिन्हों प्रश्नोत्तर किया गया, प्रश्नोत्तर अलंकार, प्रश्न ते उत्तर। एक पंक्ति प्रश्न करती पई है, दूजी जवाब दिंदी पई है। इहदे नाल दी बाणी बहुत है गुरबाणी विच, ध्यान देना। मैं कुछ नमूने रखा। कहिंदे ने सत संगत कैसी जानी है, सवाल किया गया, उहदी निशानी की है सत संगत दी। कहिंदे ने जिथे एको नाम वखाणी है, जिथे एक नाम की व्याख्या होंदी है, यह जवाब है उहदा। फिर कहिंदे ने जी जाए पुछो सुहागणी, तुसी रावया किन्नी गुणी। नहीं भैणा, तुसा किस तरीके नाल खुशी कीता पति परमेसर नूं? अगों जवाब आया। कहिंदे ने सील संतोख सिगारिया ते मिठा बोलणी, ये जवाब है ना, एक सवाल है दूजा जवाब है। फिर कहिंदे ने दुहागणी क्या निशानियां, दुहागणी दी क्या निशानी है जी? कहिंदे ने खसमो कुथियां फिरे नमाणियां, जवाब है। होर देखो अगे, साई फरीद ने दो श्लोक वर्णन किए ने, एक सवाल करता पिया दूजा जवाब देता पिया। फरीदा कमण सो अखर कमण गुण, कमण सो मणिया मंत, कमण सो वेसो हौ करी जित बस आवै कंत। दसो की तरीका है, सवाल किया। अगला श्लोक ही जवाब देगा। वह कहिंदा है निमण सो अखर खमण गुण, जिह बा मणिया मंत, ए त्रै भैने वेस कर तां बस आवी कंत। जवाब आ गया। होर भी बहुत ने इतिहास में वेखो। आह हनु कहे श्री रघुबीर, कहूं शुद्ध है सिया की शतमाही। ये भी प्रश्नोत्तर है। भगवान हनुमान आया लंका जो सीता नू मिल के आया, तो भगवान नू पता लग्या, कहिंदे ने आ ओए हनुमान आ गए। वह कितने धरती के उत्ते सीता पता लग्या उहदा है भी सही है कि नहीं? आंदा है प्रभु। अगों जवाब है प्रभु कित्थे है? लंक, लंका विच रहिंदी है। अच्छा किस तरह रहिंदी है? कहिंदा जी कलंक बिना। अहे फिर उहदा निवास स्थान कित्थे है? कहिंदे ने बसै ते रावण बाग की शाही। सवाल ते जवाब ने। भगवान कहिंदे ने जीवित है, सवाल है वह अजे जीवंदी है? कहिंदा कह बे को नाथ एवें कहण मात्री जीवंदी है। भगवान कहिंदे ने क्यों ना मरी हम ते बिछराही, इहदे विच बड़ा कुछ है, वह मेरे तो विछड़ के मर क्यों नहीं गई? फिर जवाब दिंदा, कहिंदा जी प्राण बसे पद पंकज में, जामे आवत है पर पावत नहीं। इस वास्ते नहीं मरी। ये सारे है, इहनू कहिंदे ने प्रश्नोत्तर। बहुत लंबी गल आ, हुण इस शब्द विच बिल्कुल इहो ही गल है जिहड़ा मैं वर्णन कीता तुहाडे सामने। पातशाह चार पदार्थ कित्थों लईए? सवाल है। साधुआं दी सेवा करो, संतां दी मिल जाणगे। साध जना की सेवा लग है। सच्चे पातशाह जे किसी नूं दुख होवे तो वह किस तरह मिटदा है?
जे को अपना दुख मिटावे तो फिर कित्थे जाइए। कहिंदे ने हर हर नाम हृदय सद गावे। एक पंक्ति सवाल करी जाती है, दूजी जवाब दे जाती है। जी जे कोई अपनी शोभा लोरे, लोग मैनू चंगा आखण फिर की करिए। कहिंदे ने साध संग ए हौं मैं छोरे। जदों इत्थे साध संगत विच आईए, हंकार ते हौं मैनू बाहर रख के आओ। इत्थे निम्रता लैके आउणा, ये तरीका है, तरीका दस्सिया। कहिंदे ने साध संग ए हौं मैं छोरा। फिर कहिंदे ने जी जे कोई जन्म मरण ते डरै, आ जन्म मरण का डर बहुत ही वड्डा शास्त्र विच मन्निया गया, गुरबाणी विच इन्ना डर नहीं इहदा। ये वखी व्याख्या फिर वखरी गल करांगे किसी वेले। मैं अर्ज कर रहा सा, कहिंदे ने जी जे को जन्म मरण ते डरै फिर की करिए। पातशाह कहिंदे ने साध जना की सरनी पर है, सारे तरीके दस दिते ने। सो इस वास्ते पदार्थ जे घर विच ना होवे गृहस्थियां दे विच, ते बेनती गुरु चरणा विच कीती है, ये गुरमत है। गुरमत दे असूल ने भई घर विच कोई पदार्थ नहीं, बेनती अरदास करो गुरु चरणा विच, ते जे पदार्थ मिल जाए ते फिर धन्नवाद गुरु का करो। अपनी ना दलील दे उत्थे भी मैं आ काम कीता ते तां मिलिया। वाह, अपना ते छड दियो, समर्पित कर दियो, संघर्ष ना करो। जीवन दो प्रकार दा ना, एक है संघर्ष, एक है समर्पित। संघर्ष ते ओ है भई दरिया लंघन लग्या ना, लंघदे सन लोकी तर के, आंदा मैं ते सीधा ही लंघांगा। हुण जे ते दरिया लंघना सीधा पानी विचों दी, ते संघर्ष करना पएगा, उहदे नाल लड़ाई करनी पएगी, तुहानू जोर लाउणा पएगा। ते जे समर्पित कर देना ते फिर पैरो पार ते ओ लावेगा, पर दूर जाके लगोगे। इन्ना ही फर्क है, पार जरूर कर देगा, क्योंकि उहदी ड्यूटी है पानी दी। इस वास्ते दो प्रकार दा है। इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा सा भई जदों जदों गृहस्थी लोगों नूं इस पदार्थ की, इन्हां पदार्थों की जरूरत सी, ते गुरु चरणा विच बेनतियां कीतियां गईयां। असीं जदों वेखने आ ना जीवन मनुख दा, ते भावें जीवन होवे किसे बादशाह दा, भावें होवे किसे राजे दा, भावें होवे किसे साधु महात्मा दा, भावें होवे गुरु साहिबां दा, गुरु साहिबां नूं वी जरूरत पई है पदार्थ दी। लिहाज कोई नहीं इत्थे आया। पढ़ो इतिहास, मैं अर्जा हुणे करनियां नूं तुहाडे सामने। मैं कहिंदा जिथे मंग साडे अंदर है, मंग गुरु साहिबां दे अंदर वी है। भगत है एक नंबर दा कबीर, ते दिल विच मंग पैदा हो गई। कदों होई? घर विच साधु आ गए, साधु आ गए ते घर वाली नूं आवाज दित्ती, लोईए हाँ जी लंगर तैयार करो, संतां नूं लंगर छकाइए। आंदी ठीक है। अंदर रसोई विच गई ते पदार्थ नहीं सी कोई भी, बर्तन खाली पए ने। आवाज दित्ती उरे आयो भगत जी। गए गए पुछिया की गल है, कहिंदी तुसां लंगर वास्ते आख्या ना? कि हाँ, अरे लंगर ते पदार्थ ही कोई नहीं, लंगर कहदा करिए। अच्छा ये गल है, वो माला फेरदे पए सन परमेसर ते गिला कर दिता। बड़ा तुसी शब्द ये मशहूर है ते पढ़ते रहे लोग, भगत कबीर ने परमेसर ते गिला कर दिता। कहिंदे ने ए जी भूखे भगत न कीजै जेहे माला अपनी लीजै, भूखे भगत न कीजै जेहे माला अपनी लीजै। भूखे भगत न कीजै जे माला अपनी लीजै, भूखे भगत न कीजै जे माला अपनी। भूखे भगत ना कीजा, भूखे भगत ना कीजा, भूखे भगत ना कीजा, भूखे भगत ना कीजा। ये माला अपनी।
भगत ना कीजा, भुखिया नहीं भगती होंगी। मंग आ गई, मैं कहना गुरु साहबा दे अंदर, गुरु नानक सच्चे पातशाह बैठे किसी दरिया के किनारे ते। अमृत वेला होया, इतों ही नदी तो इशनान किया, बैठे बैठे नितनेम करते पे सन। नितनेम करद्या दिन चढ़िया, सूरज निकलिया, अरदास की नितनेम की, तो मरदाना सामने आ गया। भुख लगती सी मरदाने, यह भी एक नमूना ही रखिया सी गुरु नानक ने नाल। आंदा महाराज हे जजमान, भाई पता नहीं तू कित्थे किन्ने क दिन इत्थे बैठे रहना, तो दिन चढ़ गया, जे तुसा इत्थे ही रहना अज, तो जे कि लागे कोई पिंड है तो दसो, मैं उत्थों जाके भोजन करा, मैं भुख लगी हुई है। गुरु नानक सवेरे सवेरे अजे अरदास तो वेले ही होए सन, भुख सामने आ गए, क्योंकि भुख का कोई भी भुख मनुख नूं होए दुख होवेगा, तो भुख कई प्रकार की है। जे मकान की भुख होए नहीं मिलिया तो दुख है, दुकान की भुख होवे नहीं मिली तो दुख है, संतान की भुख होवे ना मिले तो वड्डा दुख है। इस तरह ही कई दुख ने, कई भुखा ने संसार के अंदर, मनुख के अंदर इनिया कामना भरिया होया मनुख है कि जिस तरह सूरज विचों किरणा निकल दिया ने, इस तरह मनुख के विचों कामना निकल दिया ने कि अज यह भुख पूरी कर दियो, अज आह भुख पूरी हो जाए तो ठीक है। रविदास कहिंदे ने, तुम कईयत हो जगत गुर स्वामी, हम कईयत कल युग के कामी। इत्थे कामी तो भाव है कामना दे परे होए, तू दे रहा असी मंगी जाने तेरे तो, कामना दे परे होए हैं, हर पासे मंग नजर आ रही है, क्योंकि अंदर भुख है। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहिंदे ने, एक भुख ऐसी है जे किते मनुख नूं लग जाए तो दुखां दा अंत कर देंदी। सच्चे पातशाह वो केड़ी भुख है? गुरु नानक कहिंदे ने, सच्चे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चली है दुख। जे किते नाम की भुख लग जाए मनुख नू, कहिंदे ने सारे दुखां दा अंत कर देंदी है ये भुख। पर हुण किस तरह लगे, बहुत औखा काम है। बाकी भुखां ते सानू अपने आप लगदियां ने, पर नाम की भुख वास्ते संत जी आ कथा ते कीर्तन दा चूरन खाना पएगा। बगैर कथा कीर्तन तो है ही इसे वास्ते कि नाम की भुख लगे मनुख नूं, होर कोई मतलब नहीं कथा करन दा। इस वास्ते ये भुख सारे दुखां दा अंत कर देंदी है। हुण अंदर भुख है, मरदाने की भुख सामने आई, तो गुरु नानक ने शब्द उच्चारण किया, कहिंदे ने हे अकाल पुरख, यह जिहड़ा तू संसार बनाया ना, ये पदार्थ का भुखा बना दिता है, सारी दुनिया पदार्थ की भुख है, इनू किते भोजन की भुख है, किते संतान की भुख है, किते मकान की भुख है, हर थां दे किते कपड़े की भुख है, किते रोटी की भुख है। ये संसार का थोड़ा जिहा नमूना होर तरह का हुंदा ते बहुत वधिया हुंदा, किस तरह का होना चाहिए सी? पातशाह कहिंदे ने, नदियां होवै धेण वा ते सुम होवै दुध क्यो। यह जड़िया नदियां वगदियां पईआं ना संसार विच, यह गऊआं लवेरियां हुंदियां, इन्हां दे चश्मिआं ते सुम जिथों पानी निकलदा उत्थों दुध ते घिओ निकलदा, यानी दुध ते घिओ दीआं नदियां वगदियां। अगे कहिंदे ने, सगली धरती सक्कर होवै खुशी करे नित जीओ, सारी धरती सक्कर बन जाती, तो जिथे जी करे सक्कर घिओ रला के खांदा, इहनूं भुख ही ना लगदी कोई चंगा इह कम सी। खुशी करे नित जीओ, अगे माया किन्नी कि चाहीदी है? कहिंदे ने, पर्वत सोना रुपा होवे, ऐ जिहड़े पहाड़ ने सोने ते चांदी दे बन जाण, हीरे लाल जड़ाओ इन्हां दे उत्ते, हीरे ते लाल जड़े होए होण, चुक के खड़न दा कोई अंदर कामना ही ना रहे किसे नूं, भई इन्ना कुछ ही चाहीदा है। कहिंदे ने जी, एक गल होर है नाल दे, जे तू पदार्थ इन्ना दे देवें, घर विच नदियां वगदियां होण दुध ते घिओ दीआं, सक्कर दीआं पदार्थ दीआं बोरियां भरियां होण घर विच, जिस तरह सक्कर दीआं बोरियां हुंदीआं ने, ते घर विच माया दे अंबार लगे होण जिस तरह पहाड़ हुंदे ने, ते इन्ना कुछ हुंदिया होया, एक मंग होर है अंदर, वो ये है कि भी तू है सलाहना आखण लह ना चाहो, तेरी सिफत करनी ना भुल जाइए, जिसनों बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाह ही पातशाह, जिन्हों तू सिफत करन दी जाच दसी है, वो ते पातशाह दा पातशाह, उन्हूं ते कोई भुख ही नहीं लगती,
पर जे साडी मिट जाए तां ध्यान रखना सिफत असीं वी करने आ। पर जे कितें असीं किसे दे चले जाइए ना कितें प्रोग्राम ते तां पैसियां तों लड़ पैंदे आ। इह ना इह स्टेज ना समझ लैणा, जे अंदर भुख है तां फिर सिफत कीती ही नहीं, ते जे सिफत करदा तां भुख निकल जांदी आ। गुरबाणी दा फैसला है, इहो जिहा जीवन हो जाए। गुरु नानक कहिंदे ने क्या वधिया गल, मैं अर्ज कर रहा सां कबीर ने वेख्या घर विच भुख है पदार्थ कोई नहीं, जवाब दे दिता मैं भुखे आ भगती नहीं करनी। हे अकाल पुरख भुखे भगत ना कीजै, ये माला अपनी लीजै, मैं हों मांगो संतन रेना, मैं ना ही किसी का देना, मैं किसी का कर्जा नहीं देना, मैं ते इस वास्ते तेरे को कुछ मंगन लगा कि साधु संत आए ने इन्हां दे चरण मेरे घर विच पैंदे रहण ते मैं सेवा करता रहा, बस इस वास्ते। सेवा नूं गुरु घर विच बहुत मुख रखिया ना। गुरु नानक पातशाह ने जदों सेवा कीती ना साधुआं दी, बड़ी मशहूर गल है, 20 रुपये खुआ के घर आ गए ते पिता कोलों चपेड़ां खादियां, कोई परवाह नहीं। पर गुरु नानक सच्चे पातशाह ने फिर भी अपनी बाणी रचना विच सेवा दा हुक्म दित्ता गुरसिखां नूं। कहिंदे ने ओ जी विच दुनिया सेव कमाईऐ ता जी दरगाह बैसन पाया, बिच दुनिया सेव कमाया ता जी दरगाह बैसन पाया। दुनिया सेव कमाया ता कि दरगाह बैसन पाया। दरगाह बैसन पाई सेवा नूं मुख रख्या गया। कबीर कहिंदे मैं इन्हां दी सेवा करन वास्ते मंगण लगा तेथों कुछ। माधो कैसे बने तुम संगे, आप ना देवत लेवो मंगे। मैं हुण तेथों संगदा रहा ते गल बननी नहीं, जे तैनू चेता नहीं आया पदार्थ देण दा ते मैं मंग लईना। की मंगिया? कहिंदा दो सिर मांगो चूना, पा घ्यो संग लूना, दो सिर रोज का आटा खाण वास्ते, हालां बंदे कोलों खाधा नहीं जाता इन्ना। अध सिर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जवाले, दोए वक्त खाण वास्ते अध सिर नाल दाल। अगे जा देखो किनिया चीज़ां मंगिया ने, पा घ्यो संग लूना, लून मिर्च घ्यो सब कुछ मंग लिया। अगां जा के कहिंदे ने खाट मांगो चौ पाई, सरहाना अवरतलाई, उपर को मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा। तां तेरी भगती करांगा, इन्नियां चीज़ां चाहीदियां ने घर विच सब मंग लईआं। यानी पदार्थ मंगण दी जरूरत पई आ, गृहस्थी जीवन दे अंदर मंग भरी होई है, साडे सारिआं दे अंदर है और चाहीदी आ सानूं। मंगणा जदों भी मंगो गुरु चरणां च अरदास करनी है ते मिल जाए ते धन्नवाद करना गुरु का, सिर्फ इन्नी गल ही है। जिस वेले पदार्थ सारे दे दिते परमेश्वर ने, जग संपूर्ण कर दिते कबीर भगत दे, ते हुण धन्नवाद करन लग्या कबीर, क्योंकि मिले ने पदार्थ, अपनी नहीं गल जताई कि मैं कुछ कीता सी, ना बिल्कुल नहीं, ये गुरमत नहीं ना।
गुरु नानक एक था कहिंदे ने हे सच्चे पातशाह हे अकाल पुरख यह जिहड़े दातां दित्तियां ना यह तू दित्तियां ने मैं नहीं बनाईयां। कहिंदे ने यह जिन्नी भी दात दित्ती है दात जोत सब सूरत तेरी। ये दात कहिंदे ने पदार्थ नूं, जोत कहिंदे ने साडी बुद्धि बल नूं, यह तू दित्ती है मैं नहीं बनाई। सूरत आ शकल जड़ी कीती है सुंदरता ही दित्ती है शरीर दी, ये तू दित्ती है मैं आप नहीं कड़िया शरीर। ध्यान रखना अज का मनुख हर थां ते चतराई पेश करदा कहिंदा मैं बनाया। वाजा कितों लियांदा है, समान कितों लै आउंदा, किल कितों लै आउंदा, लकड़ी कितों लियांदा, इहनू कट्ठी करके अपनी मोर ते ठोकेगा आंदा मैं बनाया। मेडन गुलाबी बाग या पंजाबी बाग इत्याद कह दिंदा। सतगुरु जी कहिंदे ने इस तरह ना करो, अपनी मोर ना लाओ, अपने आप नूं पिछे रखिया। गुरु नानक कहिंदे ने हे अकाल पुरखिया जिहड़े लोकी मैनूं मत्थे टेकदे ना ये मैनू नहीं टेकदे, इहदे तेरे नाम नूं टेकदे ने। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना ना जाने मेरा, ऐसा कह दिता है गुरु नानक पातशाह ने। दात जोत सब सूरत तेरी। कई जांदे ने मर्दाना कहिंदे जी गल सुनो मेरी, इत्थे मैनूं शंका है तुहाडे बचन दे उत्ते। ए दस की शंका है? कहिंदे ने तुहाडा फिर कुछ भी नहीं इहदे विच शरीर विच। सोचिया थोड़ा जिहा विचार के आंदे ने एक गल मेरी भी है मर्दाना, एक गल है मेरी, वो केड़ी है? कहिंदे ने बहुत सियाणप हूं मैं, ये मेरी आ सियाणप चतराई, ये मेरी है। मनुख जड़ियां चतराइयां करदा, मैं कहिंदा चतराई संसार विच कम देंदी है, चंगी है, माड़ी नहीं। पर किते व्यापार करना होवे चतराई चाहीदी है, कोई फैक्ट्री लाउणी है चतराई चाहीदी है, दुनिया नाल वरतना चतराई चाहीदी है। पर जे आउणा गुरद्वारे विच, जे जाना साध संगत विच, जे आउणा गुरु चरणा विच, ते चतराई बाहर रख के आउणा पएगा। इत्थे चतराई चलदी नहीं गुरु चरणा विच, ऐसा मन्निया गया। कबीर कहिंदे ने रे जन मन माधो स्यों लाइया चतराई ना चतर पुज पाई है। ऐसा है ही नहीं, भगती मार्ग में चतराई नहीं चलती। सो मैं अर्ज कर रहा सा जिस वेले कबीर मिले ने पदार्थ सारे ते धन्नवाद कर लग्या ते ए गल कहिंदा, कहिंदा हे अकाल पुरख इउं कहिंदे ने ए जी चार पदार्थ देत न बार, 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 पदार्थ देत न बार, चार पदार्थ देत न बार, चार पदार्थ देत न बार, चार पदार्थ देत न बार, पदार्थ देत न बार, कहो कबीर तुम समनथ दाते, कहो कबीर तुम समनथ दाते, कहो कबीर तुम समनथ दाते, ये चार पदार्थ देत न बार, चार पदार्थ देत न बार, ये चार पदार्थ देत न बार, 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 तैनू चार पदार्थ दिंदिया देर नहीं लगती। तुध बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजै खोल किवार, तुम तन तनी उदार त्यागी।
तू तनिया दा तनी है ते बड़ा वड्डा दानी है ते त्यागी भी बहुत वड्डा। तुम तन तनी उदार त्यागी सरवण सुनियत सो जस तुमार। मैं कन्ना नाल तेरा जस सरवण कीता तू अगे कईयां ते कृपा कीती है। मैं मांगो काहे रंक सब देखो तुम ही ते तुझ ही ते मेरो निस्तार। किदे कोलो मंगा तैनू छड़ के सारी दुनिया कंगाल दिसदी है। तेरे तो बगैर सब तो वड्डा दानी है तू। अगे तू कई भगतों के उत्ते कृपा की है। पूछिए भी तेन उन्होंने कोई नाम याद ने? कहिंदा कुछ नाम तो याद ने। केड़े ने? जय दियो नामा जिब पर सुदामा, जय दियो नामा सुदामा। पई है पार दिल को कृपा पई है पार। चार पदार्थ देत न पार, चार पदार्थ देत न पार, चार पदार्थ देत न पार, चार पदार्थ देत न पार। कहो कबीर तुम समरथ दाते चार पदार्थ देतना बार। तैनू देर नहीं लगती चार पदार्थ दिंदियां नू। धन्नवाद कीता पहला अरदास कीती सी फिर धन्नवाद। मैं कहिंदा गुरु साहिबा दे अंदर अर्ज कीता सी मंग जरूर हैगी। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह बैठे आसन ते श्री हरिमंदर साहब विच। गुरु नानक दे आसन ते बैठे हुए ने ते माता गंगा ने जाके अर्ज कर दिती। जाके खलोते गुरु दरबार विच ते चेती उदास है मेणा मारिया पुत्र वल्लों भई चलो अगों आउण वाला समा ते साडे कोल ही है ना, की होया जे गुरियाई मिल गई है ते पुत्र ते है नहीं ना संभालण वाला। ये गल सुनी ते ये जड़ा मेणा ते ताना किसे नू मारना बोली मारनी है ना, बोली का जिहड़ा जख्म है ये बहुत मुश्किल मिटदा, कई पीढ़ियां तक नहीं मिटदा। किसी कवि ने लिखिया बोटी तोला नरम मास दा बन जाए तेज कटारी जीब, ये लकड़ी वांग दिलां नू चीरे बिन दंदियां दे आरी जीब। सत्या नास ना हिंददा हुंदा सुण छिड़के कैरों पांडो जंग, जे द्रोपता सांभी रखदी मूँह विच तेग दुतारी जीब। शेर मथ्यों फट मिट जांदा वजे होए कुहाड़े दा, पर नहीं मिटदा घाओ दिलां दा जो ए लाया कारी जीब। जिथे जिथे जीब जबान दा घाओ वजा जाके घाओ होया जख्म होया ए नहीं मिटिया किसे दा। इस जख्म ने दुखी कर दिता माता गंगा नू। दरबार विच आण के खलोते ते गुरु अर्जन देव पुछदे ने गंगा की गल ए, अज उदास है चेहरा कोई बचन करना है? कहिंदी है जी बेनती करनी। दस की गल है? कहिंदी है जी गल ये है तुसी हो गुरु नानक दी गद्दी दे वारस बने हो, ते बहुती गल मैं लंबी नहीं करनी पई, इस गद्दी नू संभालण वाला अगों चाहीदा। इन्नी की गल जिस वेले ये बचन कीता ते गुरु अर्जन देव दे भी अंदर वाकई ये तस गया बचन। कहिंदे ने गल ठीक है, पर इतिहास कहिंदा कि सतगुरां ने हुक्म किया भी ये जड़े पदार्थ ने ये संतां साधुआं कोलों मिलते हैं, साध जना की सेवा लागे ते साधां दी दस पाई बाबा बुढ़ा जी दी, उन्हां दी सेवा करो जाके सेवा तो ये मिलते हैं पदार्थ सारे। पर मैं इतिहास तो जाणू नहीं इन्ना, तो थोड़ा जिहा गुरबाणी द्वारा ही अर्ज करना उन्हां। ये सुनो ये तुसां गल अगे कई बार सुनी होएगी। गुरु अर्जन देव जी बैठिया विचार कीती, गंगा ने जो बेनती कीती है सोलह ने ठीक चाहिए। हुण अंदर जड़े बन जाए ना जड़ा गल वो बाहर आ जाती है जरूर। सारा दिन बैठे रहे ने बाणी का उचारण किया अपने विहार किते, पर वो गल अंदर जरूर कदे ना कदे जा आउंदी है, हिरदे विच घर घर गई।
रात सुते ने, रात भी वो गल अंदर घूमती रही, मंग बन गई। गुरु अर्जन दे देव विचारद्या विचारद्या ये मंग बन गई। एक सवेरे उठे तो नितनेम करन तो बाद जिस वेले बाणी उचारन लगे तो बाणी दे विच ओ जिहड़ा अंदर सी ना फुरना मंग ओ बाहर आ गई। जो जी होए सो उगवै, जो अंदर होए ओ बाहर आ जांदा। जो अंदर मंग बनी सी ना वह बाहर प्रगट हो गई। तो शब्द राही दसते ने, हुण बेनती करते ने, हे अकाल पुरख जन कौ प्रभ संगे असनेह। हे अकाल पुरख मैं तेरा दास हाँ, ते मेरा तेरे चरणा नाल ही बड़ा ही प्यार है, बहुत प्यार है। ते कहिंदे ने साजना तू मीत मेरा गह तेरे सब के। इत्थे प्रभु नू अकाल पुरख नू सज्जन मन्निया, कह दिता है। मैं कहना भगतां लोकां ने कई नाम रख दिते, कई रिश्ते जोड़े ने। इत्थे सतगुरु जी अपना सज्जन मनदे पए ने। जी सज्जन तू है सैन तू, मैं तुझे उपर बहुमानिया। सज्जन तू है सैन तू, मैं तुझे उपर बहुमानिया। सज्जन तू है सैन तू, मैं तुझे उपर बहुमानिया। सज्जन तू है सैन तू, मैं तुझे उपर बहुमानिया। सज्जन तू है मैं तुझे उपर बहुमानिया, मैं तुझे उपर बहुमानिया। बहुमानिया मैं तुझे उपर बहुमानिया, तुझे उपर बहुमान तुझे उपर। ए जी सज्जन तू है सैन तू, मैं तुझे उपर बहुमानिया। सज्जन तू है सैन तू, मैं तुझे उपर बहुमानिया। सज्जन तू है सैन तू, मैं तुझे उपर। मेरा सज्जन तू है ते साथी भी तू ही है। इस वास्ते मैनू तेरे ते बड़ा ही माण है। सज्जनो तू मीत मेरा, मित्र है मेरा। मैं कहना जे कोई सानू पूछ ले भी तुसी नाम जू जपदे हो, अकाल पुरख नाल की रिश्ता है तुहाडा, की दसोगे? आखिर कोई ना कोई ते निशाना होना चाहिए ना, भी की समझ के असी उहनू उहदा नाम जपने। संसार का इतिहास पढ़ के देखो, लोगों ने कोई ना कोई रिश्ता हर मजहब वाले ने उहदे नाल कीता बनाया। ईसाई धर्म ने अपना रिश्ता जिहड़ा जोड़िया अकाल पुरख नाल, पिता का रिश्ता है, कहिंदे साडा फादर है, वह पिता है साडा। ऐसा ही इस्लाम धर्म में है, वह पिदर कहिंदे ने, पिता कहिंदे ने, वह भी पिता का रिश्ता जोड़ते हैं। साडे हिंदुस्तान के भगतां ने अपना दास ते मालक का रिश्ता जोड़िया, तू साडा मालक है ते असी तेरे गुलाम दास हाँ। कहो कबीर गुलाम करका जी आए भावें मार, मैं तेरा दास हाँ, तू मेरा मालक है। चीन का एक संत है लाओत्से, वो अपना रिश्ता जोड़दा भगवान दे नाल, कहिंदा तू मेरा भरा है। सिर्फ तेरा मेरा फर्क इन्ना ही है, तू आद तो है ते मैं बाद विच है, तू वड्डा है मैं छोटा है, अपनी अपनी विचार है। मैं कहना गुरबाणी ने, गुरबाणी विच साडे गुरु साहिबां ने हर रिश्ता जोड़िया। कहिंदे ने तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सभनी थाई तां पौ के हा काड़ा जियो। तू मेरा सखा, तू है मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत, तू मेरी पत, तू है मेरा गहना, तुम बिन निमख ना जाई रहना। तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरा साहेब, तू मेरे खान, तू मेरी शोभा, तुम संग रचिया, तू मेरी ओट, तू है मेरा तकिया। एक रिश्ता नहीं सारे रिश्ते जोड़ दिते। इस वास्ते गुरु अर्जन देव कहिंदे ने साजनो
तू मीत मेरा, तू मेरा सज्जन है, तू मित्र है मेरा, ग्रह तेरे सब के है, तेरे घर विच सब दाता ने। ते मैं मंगन लगा, मंगिया एक अरदास करनी है। वो मंग की सी, कहिंदे ने मान मांगाओ, तान मांगाओ, धन लक्ष्मी सुत दे। मान चाहिदा, सत्कार चाहिदा दुनिया विच, तान चाहिदा, ताकत भी चाहिदी है। ते मान ते तान जड़ा ना शब्द है, तान उन्हूं ही, मान उन्हूं ही मिलिया जिदे कोल कोई ना कोई तान है, जिदे कोल ताकत होए। ताकत तो बगैर मान मिलिया ही किसे नूं नहीं। तान चार प्रकार का मन्निया है। एक है तन का तान, शरीर का, जिहड़ा पहलवाना कोल हुंदा है। ते पहलवान चंगी खुराक खा के शरीर नूं कमाई करके बड़े बड़े दंगलां विच ते वड्डे वड्डे स्टेडियम बना के ते उन्हां दे विच उन्हां दे प्रोग्राम रखे जांदे ने, कुश्तियां रखियां जांदियां ने। लोकी टाइम खर्च करदे ने, पैसे खर्च करदे ने, उन्हां नूं सत्कार मिलदा है। ये तन दा तान है। ये हाथी कोल भी बहुत है, इहदी कोई बहुत महानता नहीं तन दे, शरीर दे तान दी। दूजा है मन दा तान, मानसिक बुद्धि बल दा तान। ये हुंदा विद्वाना कोल। साडे कोल आ जाण संत ज्ञान सिंह जी वीरोकियां वाले, साडे सामने आ जाण संत जीवन सिंह जी कवि, साडे सामने आ जाण पंडित गोपाल सिंह जी ज्ञान मार तंड, उन्हां दे चरणां दे उत्ते साडा बदो बदी सिर चुक जांदा। ये की गल है, की है इहनां कोल? विद्या दा बल है, बुद्धि बल है। बुद्धि बल होण करके उन्हां दे चरणां ते मत्थे टेकदे ने, सत्कार सारी दुनिया विच। पंडित जी जिथे चले जाते हैं, बदोत सारी संगत मत्थे टेकी जाती है। इस तरह का मान यदा है, यदों का कहें मानसिक तान, बुद्धि बल, इनू भी सत्कार मिले दुनिया में जिदे को है। अगे है धन का तान, दौलत माया का तान, किसे को भी हो। मैं कहना एक भैड़े तो भैड़ा बंदा हो, जे वह धनवान हो तो उन्हों बड़े बड़े उच्चे स्टेज बना के लिया के वो उत्ते बिठाया जाता है। भाई स्कूल की नहीं रखनी है, किसी धर्म मंदिर की नहीं रखनी हो, बुलाओ जी फलाने नेता वो लिया के, किड्डा करूप है, किड्डे भैड़े आचरण वाला हो, पूजा होंगी है, उच्चे थान बिठाया जाएगा, उन्होंने मत्थे टेके जाएंगे, वो बड़ी सिफत की जाती है स्पीकर से, रेडियो टैलीविजन। हालांकि एडी महानता नहीं, कोई महानता नहीं, धन मत्थे टेकते। ये माण मिलिया धन नूं, धन करके भी माण है। चौथा तान है राजसी तान। असी वोटां दे के जदों कोई अपना मैंबर राजसभा विच भेज दिए, भावें कारपोरेशन विच होवे, संत जी जिद्दण तो मैंबर बन जांदा, उहदे बूहे अगे जा के लाइनां लग जांदियां लोकां दियां, आ मेरे राशन कार्ड दे दस्तखत करियो जी, आ साडे बिजली है नहीं जी, साडे गलियां पक्कियां कर दिओ जी, साडे पानी है। कई मैं कहिंदा उहदा विहार वध जांदा, उहदा सत्कार वध जांदा। क्यों वधिया? कि तान आ गया कोल। हुण सतगुरु सब कुछ मंग रहे ने, कहिंदे ने माण मांगो, तान मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे नाल ही पुत्र मंग लिया, मंगिया ना। ये सारा अरदास की गई है। मैं अर्ज किया कि मैं इतिहास तो बहुत घट जाणू हुन्ना, यही गल्लां सुन लो, तो दो तीन मिनट रह गए ने, मैं समाप्त करा। अर्ज ये कर रहा सां भई गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने जिस वेले ये अरदास की है, आप अरदास की है माता गंगा नूं संतां कोल भेजिए कि साध जना की सेवा करो, ता ये पदार्थ मिलते रहे। जिस वेले ये पदार्थ मिलिया, छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी दे अवतार होया, अरदास स्वीकार होई दरगाह विच, ते खुशियां दे गीत गाए गए। गुरु घर विच जो खुशी आई उस वेले, वो कहण ते कथन तो परी है, परे है। किन्ने कु शब्द गुरु अर्जन देव ने उचारण किए खुशी विच, मैं कहना गिने नहीं जाते, ज्यों लगे खुशी विच शब्द उचारण करन। ते उहदे विच कह दिता, कहिंदे ने ये जी परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना, परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना, परमेश्वर बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना, परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना, परमेश्वर दिता बन्ना।
तेरा पन्ना परमेश्वर दिता पन्ना दुख रोग का तेरा पन्ना परमेश्वर दिता परमेश्वर ने आसरा दिता पातशाह कहिंदे ने बन्ना आसरा परमेश्वर ने दिता मैनू आसरा दुनिया में परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा भन्ना आनंद करो नर नारी खुशियां मनाओ सारे रल के हर हर प्रभ कृपा धारी संतो सुख होवा सब थाई अज सारे ही सुख जापदा क्यों के घर में सुख आ गया ना घर सुख वसिया बाहर सुख पाया इस वास्ते घर में सुख आया कहिंदे ने सारे ही सुख है सुखिए को पेखे सब सुखी आरोगी के भाणे सब रोगी जिदे घर सुख है सारे सुखी दिसणगे कहिंदे ने आनंद करो नर संतो सुख होवा सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रव रहा सबनी जाई हर थां ते दिसदे पे ऐसी अवस्था इन्नी खुशी आई है घर में सो मैं अर्ज कर रहा सां गल ए कीती सी भई पदार्थ दी मनुखी शरीर दे अंदर मंग है भावें कोई बादशाह है भावें फकीर है भावें कोई संत होवे भावें भगत होवे ते भावें गुरु साहब होवे मंग अपनी अपनी है साहब दसम पातशाह दी मंग वेखो देहे सेवा वर मोहे ए है सुभ करमन ते कब हो ना टरो ना डरो अरसो जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो अर सिख हो अपने ही मन को एह लालच हो गुण तो उचरो जब आव की औद निदान बने अत ही रण मैं तब जूझ मरो ए भी मंग है हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दे मोहे बचावो अगे कहिंदे ने सुखी वसे मोरो परवारा मेरा परिवार सुखी वसे तुहाडा परिवार केड़ा है कहिंदे ने सेवक सिख सबै कर तारा संसार विच सुखी वसे मेरा परिवार ये मंग है मंग वक्री वक्री है मंग जरूर है कोई भी होवे इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा सां गुरबाणी अंदर सतगुरां ने तरीके दसे सन पातशाह कहिंदे ने आओ जी चार पदार्थ जे को मंगै साध जना की जी सेवा लागै चार पदार्थ जे को मंगै साध जना की सेवा लागै चार पदार्थ जे को सेवा लागे साध जना की सेवा लागे चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे ये तरीका दसिया सतगुरां ने सानू भई किसे पदार्थ की जरूरत सेवा करन ते जुट जाओ साधु संतां महात्मा की सेवा करदिया करदिया सारे पदार्थ जिहड़े ने उस घर विच आ सकते ने इहदे विच इह वर्णन सी इन्ना कुछ ही कहिंदा होया मैं खिमा दा जा चुका सत श्री अकाल।